हाथ से निकल दो, ध्यान पानी पिलाओगे। चलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज है रामनवमी। यहाँ पे देखिए जो बिल्ली के बच्चे थे उन्होंने क्या हाल किया है, सारे जो प्लांट्स है सारे तहस नहस कर दिए। दोस्तों देखिए जो सकुलेंट प्लांट्स थे सारे तोड़ दिए, देखिए क्योंकि सकुलेंट प्लांट्स वैसे भी बहुत ही नाजुक होते हैं, तो सारे प्लांट्स क्या इन्होंने इस तरह से बखेर दिए। बच्चे क्या करते हैं, रात को जब मैं नहीं था तब आए और इनके बीच में इस तरह से घूम गए। कुछ प्लांट्स तो देखिए, ये प्लांट तो बिल्कुल ही सोइल से बाहर आके गिरा हुआ है। रात को क्या हुआ, बिल्ली क्या है, एक चूहा जो है बड़ा सा चूहा पकड़ के लेके आई और वो क्या अंदर इस साइड लेके आई थी, फिर मैंने इसको भगाकर उस साइड गया, पता नहीं उसने उस साइड जाके खाया कहाँ पे खाया। चलिए आपको एक चीज और दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या है, उस साइड जो है उनका घर है और मैंने क्या यहाँ पे बीच में जो ये कुछ ईंट लगा दी है और एक डब्बा रख दिया है ताकि जो बच्चे हैं वो इस साइड ना आए। बिल्ली तो इनके ऊपर से आ जाएगी लेकिन बच्चे नहीं आ पाएंगे, तो अभी क्या करेंगे बच्चों को उठाकर उस साइड शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि बच्चे अभी यहाँ पे हैं। देखिए बच्चे और बिल्ली अभी यहाँ पे बैठे हैं, तो अभी तो क्या ये इनको दूध पिला रही है तो दूध पिला देते हैं और बाद में इनको जब ये दूध पी लेंगे तब इनको उस साइड शिफ्ट कर देंगे। कुछ प्लांट्स जो हमारे हैं इनको भी हम अंदर शिफ्ट कर देंगे जो कि सकुलेंट के हैं, ताकि बाई चांस अगर आ जाते हैं तो प्लांट खराब ना हो हमारे। तो कुछ प्लांट जो यहाँ से उठा के मैं अंदर रखता हूँ, देखते हैं कुछ जगह होगी तो वहां पे रखेंगे। ये जो प्लांट्स है ये मैंने इसी बार जो है इनको शिफ्ट किया, ये बहुत ही नाजुक प्लांट है, अगर इसको एक बार भी उन्होंने गिरा दिया तो शायद ये सर्वाइव ना कर पाए क्योंकि आगे जो है गर्मियों का सीजन आ रहा है, गर्मी तेज होती जाएगी इस वजह से। तो इनको हम इंडोर रखते हैं, इंडोर क्या मैं रूम में रहता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखूंगा इनको। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब अंदर रूम बंद रहता है तो हीट हो जाती है गर्म, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन करते हैं ध्यान रखेंगे। हमारे जो गार्डनिंग चैनल है उसके लिए एक वीडियो शूट करना है, तो गार्डनर हम चलते हैं वहाँ पे। क्या एक अंगूर की बेल है, अंगूर की बेल पर काफी क्वेरी आती है तो मैं सोचता हूँ उस पर एक वीडियो बनाते हैं, तो गार्डनर हम चलते हैं। मैं जो है एक माइक ले लेता हूँ जो हमारा कॉलर माइक है वो, ताकि वॉइस जो है वो साफ आए क्योंकि उसमें आवाज साफ आना बहुत जरूरी है। तो एक कॉलर माइक मेरे पास है, मैं वो लेके आता हूँ फिर चलते हैं। जो माइक है बोया का जो हमने लिया था, माइक काफी अच्छा है ये, इसके अंदर दो ऑप्शन है, आप मोबाइल में भी इसको लगा सकते हैं और डीएसएलआर के अंदर भी। इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो वायर बहुत बड़ी है, यानी कि आपको इनकी वायर को बार बार समेटना होता है। मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ, मैं ज्यादातर मेरा बोया का जो दूसरा माइक है जो ब्लॉगिंग वाला सेटअप है वो यूज करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या इसको मैं यूज कर लेता हूँ जैसे कि जब मुझे वीडियो में थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है कैमरे से तब ये यूज करनी पड़ती है। दोस्तों तो मैंने इसको सुलझा लिया, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऊपर करेंगे तो कैमरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऊपर कैमरा है नीचे जो है फोन है, तो इसको अगर जब हम कैमरे में शूट करेंगे तो इसको ऊपर कर लेते हैं और अब मैं कॉलर पे इसको लगा लेता हूँ। तो हम कोशिश करें कि जो वायर है वो अच्छे से ना दिखे, तो मैं शर्ट के नीचे से इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ इस तरह से, और अब इसको जो है यहाँ पे कॉलर पे शिफ्ट कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे ठीक रहेगा, और जो मोड है वो मैंने कैमरा वाला ऑन कर लिया है। अब जो बाकी की जो वायर है ये काफी लंबी है तो ये हम कैमरे में लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, हम गार्डन एरिया हम चलते हैं वहां पे चल के लगाएंगे। चलिए दोस्तों, पहले मैं ये नारियल, जैसे कि मैंने बताया आज नवमी है तो आज ये नारियल जो है पहले मैं ये छीलता हूँ और उसके बाद गार्डन एरिया का जो वीडियो है वो शूट करेंगे। थोड़ी
नारियल तो बढ़िया निकल रहे हो। लो भाई आपको निकलो, हाथ से निकल दो, जान पानी पिलाओगे। चलो अंगूर है हमारे, जो ब्लैक अंगूर है वो है, इस बार अच्छे से आए हैं और जो इनका साइज़ है वो भी शायद इस बार बढ़ जाए। तो इस पर भी मुझे एक वीडियो बनानी थी, तो वो वीडियो मैं शूट करता हूँ हमारे गार्डनिंग चैनल के लिए और आपको बाद में मिलता हूँ। आप भी अगर वीडियो देखना चाहें तो ममल बोनसाई पे देख सकते हैं। ओके दोस्तों, जो वीडियो है वो मैंने शूट कर ली है अंगूर की, अब मैं घर जाके इसको जो है एडिट करूँगा और फिर इसको अपलोड करूँगा, फिर आपको बाद मिलूंगा। आज पता नहीं यार मार्केट की छुट्टियाँ नहीं, मार्केट में भी जाना था। लॉकडाउन जो है वो काफ़ी जगह पे स्टार्ट हो गया है, मेरे यहाँ पे अभी लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी सख्ताई अभी भी है। दिव्या है भाई? हाँ। क्या नाम आपका? दिव्या। आपका? भारत। तुम दिव्या है भाई? आपका क्या नाम है? आपका? चलो बाय। नौमी है तो जो कंजिका जी माते हैं वो बच्चे खा के आए हैं अभी। वैसे ही मुझे अभी बहुत काम करना है, जो नीचे पीछे प्लांट्स पड़े हैं सारे, इन सारों को समेटना होगा, अंदर शिफ्ट करूँगा बिल्ली के लिए, क्योंकि अदरवाइज ये सारे प्लांट को ख़राब कर देगी। तो आज का ब्लॉग हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।